हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ये तिरुपति में लड्डुओं में गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली का जो तेल पाया गया है उसके बारे में। एक्चुअली अभी जिस टाइप का केस आया और इतना बड़ा धार्मिक संस्थान है, आपको पता है कि बालाजी में शायद 500 करोड़ से ज्यादा तो जो मंदिर का जो ट्रस्ट है वो सिर्फ लड्डू बेचकर ही कमा लेता है। और ये जो प्रॉब्लम अराइज हुई ना, वो क्या है कि नंदनी जो घी पहले देता था, मार्केट रेट तो आपको पता ही है, वो तो अभी 600 के आसपास में है ही, लेकिन वहाँ पर भी 100 रुपये या 100 या 125 रुपये डिस्काउंट वहाँ पर भी है, 475-485 के आसपास। लेकिन मंदिर ट्रस्ट को वो पैसा उनको देना नहीं था और इन्होंने जो है बहुत कोशिश की कि उनसे नेगोशिएशन करी, लेकिन नंदिनी ने बोला कि यार इससे सस्ते में हम घी आपको नहीं दे पाएंगे। अभी आप घी के ऊपर एक बात सोचो कि जितने ए टू बी घी होते हैं या दूसरे टाइप के जो घी होते हैं, 1500-1500, 1600-1600 के घी आते हैं, गाय भैंस का किसका घी। अगर आप गाँव से कभी घी मंगाओ ना, वो घी जो है उसकी खुशबू अगर आप खाना बनाओगे तो पूरे दूर दूर तक फैल जाएगी। ये जो घी अपन लोग खाते हैं शहर में, जितने चाहे अमूल हो गया, कोई भी दूसरे ब्रांड हो गए, मदर डेयरी हो गया या किसी दूसरे, तुम आप घी में खाना बना लो, आपके एक कमरे से दूसरे कमरे पे खुशबू नहीं जाएगी। ऐसा तो ये घी है, वो भी 600-700 रुपये का आता है। और ये उस समय जो है 450-500 रुपये का कुछ घी उनसे खरीदने की कोशिश कर, 450 भी नहीं पहुंचे थे, 425 या 450 के आसपास में या 485 मैक्सिमम। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, जबकि जो भी भक्त होते हैं वो वैसे भी लाखों करोड़ों रुपया जो है मंदिर को दान चढ़ाते हैं, उसके अलावा जो एज अ प्रसाद के रूप में पैसा दे के जो है वहां से लड्डू वहां से ले जाते हैं। तो ऐसे में ये इस तरीके की चूक क्यों हुई? अभी देखो जो भी उनकी कंपनीज, तमिलनाडु की कोई कंपनी है उसके ऊपर नाम आया और दूसरी भी कंपनीज है उनके ऊपर नाम आया, और वो लोग तो सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से पूरे टेस्ट होते हैं, हम तो ये हमारा ये मार्क है वो मार्क है, हम सारी चीजें जो है पहले से अपने को टेस्ट करके जाती है, फिर वहां मंदिर में भी टेस्ट होता है और साथ में जो है हमारे साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरे ब्रांड्स भी बोल रहे हैं, और इवन इनका कहना है हमारा पोर्शन तो थोड़ा सा था, हमारा इतना कुछ रोल भी नहीं है। ये सब चीजें चलो एक साइड में रखते हैं, दूसरी चीज ये है कि यार पूरे जो लोगों की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो गया यहाँ पे। अब लोग किसको बोले? अभी मान लो इतने बड़े मंदिर में जो कि एक बहुत बड़ा मानचीन है, हजारों तक की मान्यताएं करवाते हैं, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें लोग फॉलो करते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट तो उन्होंने कर दिया 2 मिनट में, उनको तो ये सब चीजें खिला दी, उनके खाने में तो ये सब चीजें आ गई, अब उसका क्या करोगे? अब उसकी भरपाई आप किस तरीके से करोगे? अब मान लो पता चल भी जाता है, पहली बात तो जिसने भी किया उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पता चल भी जाता है तो, लेकिन जिसका जो धर्म भ्रष्ट हो गया, जिस जो इतनी मान्यता रख के आते हैं, जो पूरी आस्था रखते हैं, वो क्या करेंगे? क्या उनका धर्म जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा? जो उनकी मान्यता है, जो आज तक फॉलो करते आए वो रिस्टोर हो जाएंगी? जो उनको आहत हुआ है वो रिस्टोर हो जाएगा? और इसमें गलती किसकी है? थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से पैसों के कॉम्प्रोमाइज के लिए, ताकि उनका प्रॉफिट कम ना हो, दूसरे वेंडर्स को लेके आ गए, जबकि लोकल में अगर देखा जाए तो नंदनी एक बहुत अच्छा ब्रांड है, माना वो कर्नाटक का ब्रांड है और वो आंध्रा में है मंदिर, लेकिन आई थिंक कुछ चीजों को अपने को धर्म की चीजें या कुछ और चीजें जो होती है उनको जो है अपने को स्टेट वाइज, रिलीजन वाइज इनसे या दूसरे जो भी कैटेगरीज होती है उनसे दूर रखना चाहिए। एज अ ह्यूमैनिटी भी लोगों को काम करना चाहिए कि हाँ यार ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, और जो ये ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें उसका भी पता लगाना चाहिए कि यार वो किस तरीके से है। अभी देखो मान लो जैसे बोलते हैं कि यार ये जो है गाय या भैंस या जो है उनके फैट से बना, चलो ठीक है वो मानते हैं कि हो सकता है कि वो साइंटिफिक तरीके से ऐसा ना हो,
लेकिन उसमें मछली का ऑयल कहाँ से आ गया? गाय भैंस के दूध से तो डेफिनेटली चलो घी बना था, वो जैसे भी कुछ हो गया या कुछ भी तरीके से समझ आ जाता कि चलो ऐसा नहीं होता, उसके अंदर कुछ परसेंटेज थी या कुछ वैसे, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन मछली का तेल का तो कुछ कॉम्बिनेशन ही नहीं है। इसका मतलब है जिसने भी किया है वो अपना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये सब चीज़ें की हैं। इन चीज़ों पे तो मुझे यही लगता है कि यार किस पर ही ब्लेम करें आप, मंडी ट्रस्ट पे ब्लेम करें, जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके ऊपर ब्लेम करें, वो जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ब्लेम करें। देखो नुकसान तो किसी का भी नहीं हुआ है, नुकसान सिर्फ हुआ है लोगों की आस्था का, जिसकी आज की डेट में सच बताऊं तो धीरे धीरे कीमत घटती ही जा रही है। लोगों के जो बिलीव्स हैं, लोगों का जो किसी भी चीज के ऊपर से भरोसा है ना, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो पावरफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ट्रस्ट की फॉर्म में हो, चाहे गवर्नमेंट की फॉर्म में हो, चाहे पुलिस की फॉर्म में हो, चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स की फॉर्म में हो, सिर्फ आम आदमी या जो लोग किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं ना, हर तरीके से उनको तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बारे में तो मेरे को तो यही लगता है कि यार इस चीज़ की बहुत डीपली जांच होनी चाहिए और जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो भी कठोर सजा, सो दैट कि दोबारा से लाइफ में जो है इस तरीके की कोई भी कोशिश ना करे, कोई हिम्मत ना करे। और लोगों का भी, अभी धर्म का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो भरोसा वो किस तरीके से लेके आ पाएंगे, लेकिन हाँ कम से कम जो गवर्नमेंट है जो उनके ऊपर तो एटलीस्ट लोगों को भरोसा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।